नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है भारत उदय समाचार में आप सभी का। मैं मधुबनी जिला के झंझारपुर से विशेष कवरेज ला रहा हूं। आपको बता दूं कि लगातार एक्सीलेंट सिक्स ग्रुप के जो कार्यकर्ता हैं वो सभी लगातार गांव-गांव जाकर सभी लोगों का बाढ़ राहत जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद कर रहे हैं। और आज फिर वो लोग गोपलखा और उझौल नरवार में पहुंच चुके हैं यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद के लिए। आपको बता दें मिथिला के क्षेत्र में खासकर बहुत ज़्यादा इस बार बाढ़ के पानी ने लोगों का क्षति किया है। इस त्रासदी में मानव सेवा ग्रुप सहित अनेकों युवाओं का संगठन पीड़ितों की सेवा में इस त्रासदी में पीड़ितों को सहयोग करने तनिमता पूर्वक भाग लिया है। आपको बता दें वहीं पीड़ितों के सहयोगार्थ मिथिला में आए इस विपदा के घड़ी में 2019 का बाढ़ सालों तक याद किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर तो जब 14 जुलाई को बाढ़ की त्रासदी आई तो उन सभी लोगों ने मिलकर हरिपुर चौक केंद्र से अपने स्वयं सेवकों के माध्यम से खाना पैकेट करवा कर एक सशक्त युवाओं के टीम के साथ 15 जुलाई से युद्ध स्तर पर पीड़ितों को प्रथम चरण में 5 दिनों तक नरवार शर्वसीमा बिदेश्वर गोपलखा उझोल लगभग सभी क्षेत्रों में बिस्कुट नाश्ता पैकेट मोमबत्ती सलाई मच्छर अगरबत्ती का वितरण एक्सीलेंट सिक्स ग्रुप के लोगों ने किया है। वहीं बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था हो या बीमार जो लोग थे उनके लिए जूस की व्यवस्था हो इस स्तर पे लोगों ने काम किया है। इससे पहले भी मैंने कवरेज दिखाया था आपको, आज गोपलखा झंझारपुर से विशेष कवरेज देख रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए लोगों के लिए सहायता के लिए लोग पहुँचे हैं। आइए शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पूरा कवरेज देखिए भारत उदय समाचार पर। वहीं अंतिम चरण में पीड़ितों के बीच झंझारपुर के गोपलखा विद्यालय पर 100% बच्चों के बीच किताब कॉपी स्लेट पेंसिल पेन कॉपी किताब के वितरण के संग बच्चों के हाथ में एक तिरंगा हाथ में थमा गया। आपको बता दें 8 अगस्त को इस बाढ़ पीड़ित सेवा महायज्ञ के पूर्णाहुति की घोषणा भवभिंगी रूप से की गई। इस सेवा कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हम अपने प्रवासी भाई एक्सीलेंट सिक्स मानव सेवक ग्रुप के को कोटि धन्यवाद देते हैं। इन्होंने कहा है हमसे बात करते हुए, इन्होंने ऐसा कहा है कि प्रवास में रहकर हम स्वयंसेवकों को मदद करने वाली सभी भाई को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपको बता दें कि एक मामला सामने आया था कि गुजरात में जो लोग मिथिला के रह रहे थे उन्होंने पैसा भेजकर बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए आगे आए थे। वहीं पर आपको बता दूं कि स्थानीय स्तर पर हमारे जो उनके साथ लोग जुड़े थे राहत वितरण में, या गुजरात से हो या पूरे देश से हो या मिथिला से हो, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा सहायता किया है। आपको बता दें आज सभी के नाम मैं आपको सामने में बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात बता दें कि सागर झा, नीरज मिश्रा, मुन्नू झा, कार्तिकेय जटाशंकर, मनोज पांडे, रामनाथ, आर एन मिश्रा, मणिकांत, शैलेंद्र झा, प्रेमकांत झा, मदन झा, गुड्डू यादव, रामानंद यादव, पवन झा, भवेश झा, श्याम जी, पुष्पा झा, मिथिलेश कुमार झा, सुमन कुमार झा, सभी प्रवासियों ने इस तरह से मदद किया है एक्सीलेंट सिक्स ग्रुप के माध्यम से। वहीं आपको बता दूं कि स्थानीय स्तर पर सभी लोग हरिपुर चौक से जुटे हुए रहते थे, बुजुर्गों के साथ जो युवा थे। सबसे पहले आपको बता दें कि सुकांत झा, सर्वनारायण झा, कामदेव झा, बसंत कुमार झा, सुरेश झा, किशुन झा, प्रभाष झा, सभी बुजुर्ग और युवा इस बड़े आयोजन में साथ थे। आइए आपको विशेष कवरेज दिखाते हैं यहाँ क्या हो रहा है विद्यालय पर, वो सुनवाते हैं आपको। यहाँ पर प्रफुल्ल चंद्र झा और उनके टीम के लोग यहाँ पर वितरण कर रहे हैं बच्चों के बीच। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा, मधुबनी झंझारपुर के ही नहीं जो पूरे देश के लोग देख रहे हैं इस चैनल को, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला वाला के सिलेट अबै छै, पहला वाला के सिलेट अबै छै, कौन बोल छै एगो रह गया सिलेट भले पेंसिल नहीं भेल एगो पेंसिल रह गया। परिश्रम से
हमर सुन्ना हित जग जग करू कि आई हम मानव सेवा के माध्यम से बातचीत के जे सेवा करूँ अं 22-23 दिन से ओकर आई सुन्ना हित भेल। बहुत बहुत धन्यवाद और महादेव से प्रार्थना कि हे महादेव हम तो अही लग जन्म देने अही सब सेवा कार्य लग जन्म देने और हम सब वीडियो मिथिला में एक अद्भुत चमत्कार के प्रदर्शन सब आदमी कलूँ हम विपदा के घड़ी में ओहिना करत रही जैसे हमारे मिथिला सबल है मजबूत है एक दोसर के प्रति आस प्रत्याश में हम सब सजगतापूर्वक आगू बढ़ब जे समय के मांग से हम कोट कोट धन्यवाद ज्ञापित करें हमार आजुक जो कार्यक्रम है कॉपी किताब वितरण के हमरा अरब कंट्री से संयुक्त अरब अमीरात से मिथिलेश कुमार झाजी फोन कला।